स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर हिंदी चैप्टर टू मूड सेल। नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा मूड सेल की मैंने कहानी सुनाई थी कि जैसे कैसा भूखा शेर था, उसको शिकार की खोज में जंगल में घूम रहा था, फिर गुफा के अंदर गया। वो किसकी गुफा थी? गिदड़ की गुफा थी। गिदड़ की गुफा में वो छिप गया। जब गिदड़ आया, उसने पैरों के निशान देखे, उसको खतरा महसूस हुआ, तभी उसने आवाज लगाई। तब उसका आंसर क्या? शेर ने दिया, इसलिए उसको पता चल गया मेरी गुफा में कोई भयानक जानवर है, और वो वहां से भाग गया और अपनी मूर्खता पर शेर पछताया। आज उसका हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। कौन शिकार की खोज में जंगल में घूम रहा था? कौन घूम रहा था जंगल के? जंगल में शेर। शेर को भूख लगी थी, इसलिए वो शिकार करने के लिए घूम रहा था। गुफा में कौन रहता था? गुफा में गीदड़ रहता था। शेर ने पहले कहाँ छिपने की सोची? झाड़ी में। गीदड़ ने किसे आवाज लगाई? गुफा को। अब उसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, शेर किसकी खोज में जंगल में घूम रहा था? आंसर है, शेर शिकार की खोज में जंगल में घूम रहा था। दूसरा है क्वेश्चन, गिद्ध को किस बात का एहसास हुआ? आंसर है, गिदड़ को गुफा के अंदर पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, वो किसी खतरनाक जानवर के प्रतीत हुए, उसे खतरे का एहसास हुआ। ऐसे गुफा के अंदर वो गया तो उसने देखा था ना, पैरों के निशान थे बड़े बड़े, इसलिए उसको खतरनाक जानवर के थे, उसको ऐसा प्रतीत हुआ, इसलिए खतरे का उसको एहसास हुआ। शेर किस बात पर पछताया? शेर की आवाज सुनकर गिदड़ भाग गया, अपनी इस मूर्खता पर शेर पछताया। समान अर्थ वाले शब्द लिखो। समान अर्थ वाले हमको शब्द लिखने हैं अभी। जंगल वन, शेर उसका समान अर्थ क्या होगा? सिंह। विश्राम तो आराम। जानवर पशु। डर भय। अंदर भीतर। अब अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे ये लिखा है भूख, भूख में हमने रश्वय किए, यहाँ क्या आ जाएगा? दीर्घय। भूख ऐसे लिखते, ऐसे नहीं लिखते। गुफा, भूख में रश्वय आ जाएगी, गुफा। मूर्खता, मूर्खता ऊपर देखो ऐसा रब रिप किया है यहाँ, और यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे शुद्ध शब्द ऐसे लिखते हैं। गीदड़, गीदड़ में ग के पीछे ऐसा आएगा। स्वागत, स्वागत। जानवर, जानवर। हमारा ये चैप्टर अब फिनिश होता है, चैप्टर टू मूड शेर, और उसके क्वेश्चन आंसर तुमको घर से लिखने हैं। Thank you.